हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड सैन वांग। सो गाइस, आई थिंक इस स्टोरी का ये लास्ट पार्ट है। माय हस्बैंड सीक्रेट्स का सफ़र यहीं तक है। ओके गाइस, तो आप इस लास्ट पार्ट को एंजॉय कीजिए। ओके, एंड बैकग्राउंड सॉन्ग्स को या फिर बैकग्राउंड जो भी म्यूज़िक आएंगे उसको इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हम लोग की क्यूट से कपल शानवांग कपल्स की एक क्यूट सी बेबी डॉल हुई है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ से स्किप हो रहा है टाइम 4 साल का। ओके गाइस, 4 साल स्किप हो चुका है टाइम। तो एक डॉल मतलब एक छोटी सी लड़की, करीब 4 साल की लड़की गार्डन में दौड़ रही है, और एक बॉय जो कि कोई और नहीं हमारा क्यूट शानवांग जी है, वो बोल रहा है, शान रुको, तुम इतनी बदमाश कैसे हो गई हो? शान रुको, मैंने कहा रुको, तुम्हें मैं आज मारूंगा ज़रूर। तुम अगर रुकी नहीं तो, मैं तुमसे कहा ना इस मिल्क को कम्प्लीटली ख़त्म करो, पूरा इसे फिनिश करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? तो जो विभूषण रहता है ना, वो पीछे से हंसते हुए आता है और बोलता है, क्यों बच्चे को डांट रहे हो? तो जो वांगजी रहता है ना, वो बोलता है, डांटू नहीं तो क्या करूं, तुम्हारी बेटी मेरी कोई बात सुनती ही नहीं है, जैसे कि वो मेरा बच्चा है ही नहीं, तुमसे समझाते हो या नहीं? तो विंग बोलता है, श्यान रुक जाओ ना बेबी, क्यों मदर को इतना परेशान करती हो? तो वो 4 साल की लड़की जिसका नाम है वे श्यान, वो जो कि कभी इधर से उधर उधर से इधर दौड़ रही है, क्योंकि सुबह का टाइम है और उसे ब्रेकफास्ट में मिल्क दिया गया है, तो वो मिल्क पी ही नहीं रही है। बोल रही है, मदर मैं मिल्क नहीं पीऊँगी तो नहीं पीऊँगी, क्योंकि मुझे मिल्क नहीं पसंद। तो जो वांगजी है ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। फिर विंग बोलता है, श्यान इधर आ, तुम अपने मदर को इतना क्यों दौड़ा रहे हो? हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी मदर के पास एक क्यूट सा तुम्हारा भाई या फिर बहन है। तो श्यान रुक जाती है और फिर वो श्यान के पास आती है, अपने डैड के पास, और बोलती है, डैड मैं क्या करूँ, मदर ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही है, मुझे मिल्क पिला रही है, मैं क्या करूँ? तो वो श्यान बोलता है, देखो तुम्हारी मदर कुछ करेगी, कुछ सोचेगी तो वो तुम्हारे भले के लिए ही सोचेगी ना, तुम्हें चलो मिल्क पीना चाहिए। देखो तुम्हारा अगर छोटा सिबलिंग आएंगे, तुम्हारे छोटे भाई या फिर छोटी बहन आएगी, तो तुम्हें स्ट्रांग होना होगा ना अपने सिस्टर या फिर ब्रदर को संभालने के लिए, उसके लिए तुम्हें मिल्क पीना होगा, तो चलो इसे फिनिश करो। तो ना जो शान रहती है ना, वो पाउट बना लेती है, उसके बाद बोलती है, ठीक है दो मुझे। फिर उसके बाद वो उस मिल्क को लेती है वांगजी से और उसे वो पी लेती है। पीने के बाद वो वांगजी के बैली पर हाथ लगाती है। यस गाइस, वांगजी फिर से प्रेग्नेंट है, वो इस टाइम 6 मंथ प्रेग्नेंट है। ओके गाइस, तो जो श्यान रहती है ना, उसके बेली को सहलाते हुए बोलती है, ब्रदर मेरे छोटे भाई या छोटी बहन जो भी हो, तुम जल्दी जल्दी आना। ओके, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनूंगी और मैं तुम्हें अपने गोद में उठाऊंगी, तुम्हें मैं बहुत सारा प्यार करूंगी, देखो मैंने मिल्क भी पी लिया। तो वांग जी ये सुन के स्माइल करता है और इस तरफ विंग भी बहुत स्माइल करता है। पीछे से ग्रैंडफादर आते हैं और बोलते हैं, तो बेबी श्यान आज मिल्क आराम से पी लिया? तो वांग जी बोलते हैं, कहाँ ग्रैंडफादर, इसने मुझे बहुत दौड़ाया, वो भी ऐसे हालत में, मैं बहुत थक गया हूँ, ऐसा बोल के वो जा कर के सोफे पे बैठ जाता है वांग जी। और विंग ने स्माइल करता है, उसके पास आता है, उसके पास बैठता है और बोलता है, तुम क्यों उससे जिद करती हो, तुम्हें पता है कि उससे तुम नहीं जीत पाओगे,
तो वांग जी बोलते हैं हाँ, क्योंकि तुम ही उसे सर पे चढ़ा के रखे हो, तुमने ही उसे बहुत बिगाड़ा है। मैंने कितनी बार कहा कि थोड़ा डांटा भी किया करो उसे, पर नहीं, वो तो तुम्हारी बेबी डॉल है, तुम उसे डांटोगे ही नहीं। तो विंग बोलते हैं वांग जी तुम गुस्सा मत हो ना, अब वो हम लोग के घर की राजकुमारी है, तो प्यार करना तो बनता है ना। तो वांग जी बोलते हैं मुझसे तो प्यार ही मत करो, तुम जाओ अपनी बेटी से ही प्यार करो, ऐसा बोल के वो मुंह फेर लेता है। इधर भी उसके फेस पे स्माइल आ जाता है, बट वो फिर पाउट बना के बोलता है लंजा प्लीज ना, मान जाओ ना, अच्छा ठीक है सॉरी, अब से मैं तुम्हारे ऊपर पूरा फोकस करूँगा और मैं श्यान को डांटूंगा भी, ऐसा बोल के वो श्यान की तरफ देखता होता है। श्यान बेबी ये तुमने बहुत गलत किया, तुमने मम्मा को बहुत दौड़ाया ना, झूठा में ही उसे डांटने लगता है। और श्यान वी श्यान जो कि पाउट बना के कंफ्यूज लुक के साथ विंग की तरफ देखती है, तो विंग उसे एक आंख मारता है। तो सियान स्माइल करती है और फिर बोलती है सॉरी मम्मा, आज के बाद मैं नहीं दौड़ूंगी, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो वांग जी बोलते हैं तुम हमेशा यही बोलती हो, मुझे तुम्हें तुम लोग से बात ही नहीं करना, ऐसा बोल के वो रूम में जाने लगता है। और ग्रैंडफादर बोलते विंग का कान मोड़ लेते वो ग्रैंडफादर, और बोलते तुम उसे परेशान क्यों करते हो इतना। तो विंग बोलता है ग्रैंडफादर दर्द हो रहा है, अब ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो, मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रहा था। तो जो ग्रैंडफादर रहते हैं ना वो बोलते तुम्हें पता है कि वो प्रेग्नेंट है, फिर भी तुम उसे परेशान करते हो। तो विंग बोलता है सॉरी ग्रैंडफादर, अब नहीं करूँगा। शान भी बोलती है सॉरी ग्रैंडपा, अब मैं नहीं करूँगी। तो वो बोलते हैं ग्रैंडफादर कि तुम लोग ज़्यादा परेशान मत करो उसे, वो पहले से ही बहुत परेशान है। तो फिर विंग हाँ में सही लाते हैं और वो रूम में चला जाता है, और वो वहाँ पे जाके वांग जी को मनाना स्टार्ट कर देता है। अब हम टाइम को स्किप करते हैं। अब वांग जी 8 मंथ का प्रेग्नेंट है, ओके गाइस। सो वांग जी अपने बड़े से बेबी बम को ले करके आगे चल रहा है, मतलब सोफ़ा पे बैठ रहा है, लिविंग रूम में चल रहा है और चल के वो सोफे पे जाके बैठ रहा है। तो वो बैठता है और अपने बेली को पकड़ के बोलता है पिछली बार से कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है ये बेली मेरा, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, पिछली बार तो इतना भी बड़ा नहीं था बेली मेरा, या फिर मुझे भरम हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो अब तो वो 1 महीने बाद ही पता चलेगा कितना बड़ा क्यों है मेरा बेली। फिर वो नॉर्मली बैठ जाता है, फिर विंग उसके पास आता है और पूछता है रंजा क्या हुआ। तो फिर वांग जी अपने बेली को सहलाते हुए बोलता है विंग तुम्हें नहीं लगता कि पिछली बार से मेरा बेली कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। तो विंग भी उसके पास बैठता है, बोलता है ये तो तुमने सही कहा, पिछली बार इतना बड़ा नहीं था तुम्हारा बेली, लगता है इस बार तुमने कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया। तो ना वांग जी उस एक चपाटा खींच के मारता, बोलता क्या बोल रहे हो तुम, हाँ तुम मेरे खाने पर नज़र लगा रहे हो, तुम अब मुझे खाना भी नहीं खाने दोगे, तुम चाहते हो अब मैं भूखे रहूँ दिन भर, मैं कुछ भी ना खाऊँ। अब ऐसा बोल के वांग जी रोना स्टार्ट कर देता है विंग, जो कि पूरा शॉक। फिर वो बोलते नहीं 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 तो तुम रो मत, प्लीज़ 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 मत रो, प्लीज़ मत रो, वरना ग्रैंडफादर अगर सुन लिया तो मुझे मार पड़ जाएगी। ग्रैंडफादर नहीं थे, हाँ हाँ चलो नहीं दिख रहे। फिर वो बोलते हैं चल चल प्लीज़ मान जाओ, नहीं मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, तुम खाओ ना, जितना मन खाना खाने का है उतना खाओ, तुम्हें कोई नहीं रुकेगा। और पीछे से मतलब एक डेंजरस वाली मतलब वाइब आ रही थी, तो विंग ना पीछे मुड़ के देखता है अपने, तो वहाँ पे ग्रैंडफादर साथ ही साथ चेंग भी था, और चेंग इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब अपने हंसी को रोक नहीं पाता है, वो हंसना स्टार्ट कर देता है। इधर ग्रैंडफादर उसको अपनी छड़ी से मारना स्टार्ट कर देते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बेटे को खाना के लिए रोका। और वांग जी जो कि अब आराम से बैठ के सोफे पे वो देख रहा है उस मार को, विंग जो कि
कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है और ग्रैंडफादर से अपने बचने की कोशिश कर रहा है। और इस तरफ वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा हंस रहा है, लेकिन हंसते हंसते अचानक से वो चुप हो गया चुप। फिर अचानक से उसने अपने पेट को पकड़ लिया और अपने पेट की तरफ देखने लगा। फिर उसे महसूस हुआ कि उसके पेट में दर्द हो रहा है धीरे धीरे, और ये दर्द जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ना वांग जी बोल अपने मन में सोचता है, क्या मेरा बीबी आने वाला है, पर इसके लिए तो एक मंथ और बाकी था ना। फिर ना उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वो मतलब वीन की तरफ देखता है जो कि इधर से उधर दौड़ रहा है। फिर वो चेंग की तरफ देखता है, फिर ग्रैंडफादर की तरफ देखता है और फिर वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है विंग। दोनों विंग रुक जाता है, ग्रैंडफादर भी रुक जाते हैं, चेंग भी रुक जाता है, उधर से श्यान भी आ रही थी वो श्यान भी रुक जाती है और सब लोग वांग जी के पास आ जाते हैं और पूछते कि क्या हुआ। तभी विंग देखता है कि जो वांग जी का जो लोअर पार्ट है ना वहाँ से ना वाटर लीक हो रहा है। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वांग जी का डिलीवरी टाइम आ गया, इसीलिए विंग फटाफट उसे गोद में उठाता है और फिर उसे लेकर के हॉस्पिटल जाता है। फिर से एक बार फिर से पूरी लैंड फैमिली साथ ही साथ वे फैमिली हॉस्पिटल में खड़े थे। तो वांग जी वहाँ पे मतलब रूम में था, उसका ऑपरेशन हो रहा था। वांग जी का ऑपरेशन के ज़रिए उसके डिलीवरी होता है और डिलीवरी के बाद नर्स जब बाहर निकलती है ना, करीब 2-3 घंटे लग जाते हैं इस प्रोसीजर में। तो जब वो नर्स बाहर निकलती है ना तो सब लोग कंफ्यूज नज़र से नर्स को देख रहा था और विंग पूछता है, नर्स सिस्टर ये मतलब वो कुछ भूल ही नहीं पाता है। तो ना वो नर्स एक स्माइल करती है और बोलती है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर वे, आपको जुड़वा ट्विंस बेटे हुए हैं। ये सुन के पूरी फैमिली शॉक। फिर ग्रैंडफादर उछर मतलब खुश होते हुए बोलते हैं, वाह मैं फिर से दादा बन गया, वो भी एक नहीं दो दो बच्चों का। तो जो मिस्टर लैंड रहते हैं ना वो भी स्माइल करते हैं और फिर विंग के कंधे पर पैट करते हुए बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सन इन लॉ, तुमने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो जो विंग रहता है ना वो एक स्माइल करता है, वो अपने दोनों बच्चे को मतलब एक बच्चा ग्रैंडफादर उठाते हैं और एक बच्चा मिस्टर लैन उठाते हैं। और उठाने के बाद विंग दोनों बच्चों को देखता है, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूट थे। तो फिर वो नर्स से पूछता है, वांग जी, तो जो नर्स रहती है ना वो बोलती है, वो ठीक है, वो भी आराम कर रहा है। तो विंग भी एक स्माइल करता है। कुछ टाइम बाद वांग जी को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। उसके बाद वांग जी पूछता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, जब उसको होश आता है तो विंग बताता है कि उसको उसके लिए एक खबर है उसके पास। तो विंग पूछता है, वांग जी पूछता है, क्या तुम जल्दी बताओ और मेरे बच्चे कहाँ, मेरा बच्चा कहाँ है। तो जो विंग रहता है ना वो दो झूला को लेकर के मतलब जो झूला होता है जिसपे बच्चे रखे जाते हैं वो दो झूला को लेकर के आ जाता है वांग जी के पास और बोलता है कि ये रहे हमारे बच्चे। तो वांग जी कंफ्यूज नज़रों से देखता है विंग को और बोलता है, ये क्या बात हुई, वो दो झूला क्यों लेके आया। तो विंग बताता है उसे कि उसके ट्विंस बेबीज हुए हैं, बेबी बॉय। ये सुन के वांग जी की फेस पे स्माइल आ जाता है और बोलता है, इसीलिए मेरे बेबी कुछ ज़्यादा ही बड़े थे और टाइम से पहले ही डिलीवरी हो गया। तो जो विंग रहता है ना वो बोलता है, हाँ सही कहा। फिर उसके बाद जो वांची रहता है ना वो अपने बेबीज़ को देखता है, उन्हें प्यार करता है बहुत और उन्हें ले करके वे मैंसन में जाता है और उनका नाम रखा जाता है। एक का नाम रखा जाता है वे सुजी, दूसरे का नाम रखा जाता है वे आईवन। ये दोनों नाम उन दोनों बेबीज़ का रखा जाता है। और उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं अपनी इतनी अच्छी फैमिलीज़ को देख के। अब टाइम स्किप होता है, करीब 4 साल और बीत गए हैं और जो
वांग जी के जो दोनों बेबी बॉयस रहते हैं ना, वो बड़े हो चुके हैं। बेबी गर्ल वो तो 8 साल की हो गई है, बट बेबी बॉयस वो 4 साल के हैं। तो वो सभी मतलब दो बेबी बॉय, एक बेबी गर्ल, साथ में लांजान और वीन, ये पांचों लोग गार्डन में बैठे हुए। साथ ही साथ जो चेंग रहता है ना, वो भी बैठा हुआ है। चेंग की यहाँ पे मैरिज हो चुकी है, उसकी मैरिज मोशवानी से ही हुई है क्योंकि कॉलेज टाइम में वो दोनों जब मिले थे ना, तो मोशवानी चेंग को पसंद करने लगा था, तो उन दोनों की मैरिज हो गई। तो मोशवानी भी यहाँ पे उन लोग के साथ बैठ के बेबीज को खिला रहा था। तो अब जो ग्रैंडफादर है ना, वो एक टेबल पे बैठ के उन सभी लोगों को देख रहे हैं और उनके फेस पे एक बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा स्माइल है। उनका फेस बहुत ज़्यादा शांत है और उनके मतलब वो ना आसमान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, देख रही हो बहू, मेरा बेटा, तुम्हारा बेटे कितना खुश है, उसके लिए मैंने सही पार्टनर चूज़ किया है। मुझे खुशी है कि वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है और इसी तरह खुश भी रहे हमेशा। बस तुम लोग अपना आशीर्वाद हमारे पोते पर बनाए रखना। ऐसा करके वो स्माइल करते हैं, तभी जो वांग जी रहते हैं ना, वो बोलता है कि ग्रैंडफादर आप भी आइए ना हमारे साथ। एक्चुअली वो लोग ना गार्डन में बैठ के रैबिट्स के साथ खेल रहे थे तो वो लोग उसके पास बैठते हैं, वो भी आ जाते हैं, ग्रैंडफादर भी आ जाते हैं और वो सभी लोग मिल के उन लोगों के साथ खेलने लगते हैं, रैबिट्स के साथ भी और छोटे छोटे बेबीज़ के साथ भी। सो गाइस, यहीं पे ये स्टोरी का हैप्पी एंड होता है, हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी है आप बताइएगा ज़रूर। यहीं पर हम लोग की ये स्टोरी माई हस्बैंड सीक्रेट्स का लास्ट पार्ट था ये, और ये एंड हो चुका है। आप लोग कमेंट करना मत भूलेगा, भर भर के कमेंट कीजिएगा कि आपको ये स्टोरी कैसा लगा है और ये सफ़र जो था वो कैसा लगा, माय हस्बैंड सीक्रेट का सफ़र कैसा लगा आपको। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी एक वांगसन फैन फिक्सन होगा जो कि अरेंज मैरिज पर ही बेस है। ओके, तो मैं उसको लेकर के आऊँगी नेक्स्ट पार्ट में, मतलब हमारी अगली वीडियो में। ओके, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय गाइज़।